अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। जनपद गाजियाबाद तहसील मोदीनगर के ग्राम चुड़ियाला में गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर अरुण बैसला चुड़ियाला द्वारा देशभक्ति गीत एवं रागनी कंपटीशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर बबली गुर्जर पूर्व जिला पंचायत सदस्य गाजियाबाद रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अरुण बैसला ने कहा कि आज देश में का 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेरी अगुवाई में यह प्रोग्राम गणतंत्र दिवस के अवसर पर लगभग 5 वर्ष से किया जा रहा है, जिसके लिए मैं तमाम सहयोगी एवं समस्त ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सभी लोगों के सहयोग व मनोबल बढ़ाने पर ही मैं यह प्रोग्राम कर पा रहा हूं। आपको बताते चले कि वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर अरुण बैसला समय समय पर समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिनमें मुख्य रूप से फ्री चिकित्सा कैंप, खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित करना, शिक्षा एवं प्रतिभा के लिए सम्मानित करना आदि है, जिनके लिए ग्रामीणों ने समाज सेवा करने पर डॉक्टर अरुण बैसला का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के युवाओं की गांव-गांव के साथ देश को भी ज़रूरत है और सभी ने प्रोग्राम के लिए डॉक्टर अरुण बैसला का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर बबली गुर्जर ने कहा कि डॉक्टर अरुण बैसला जैसे समाज सेवी हर गांव में होने चाहिए, जिससे गांव के साथ साथ देश में समाज सेवा के प्रति लोगों में जागृति पैदा हो। प्रोग्राम करने वालों में मुख्य रूप से सतपाल दोसा, करतार सिंह, हरेंद्र नागर, वर्षा चौधरी आदि ने देशभक्ति गीत एवं रागनी सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रोग्राम में टोनी गर्ग, टोनी म्यूजिक स्टार अनुज सिंह, मोहित सिंह, अभिषेक शर्मा आदि ने भी अपने लोगों का मन मोह लिया। केटी लाइव न्यूज के लिए बड़े बड़ी सचिनी सचिन चुड़ियाला सनोप चुड़ियाला सनोप हरिपाल जोनी राय से सबके नाम बोलते हो तो भाई भाई एक बार अपने युवाओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। तुम्हारे गांव का नाम रोशन किया है, ऐसी छोटी मोटी ताली मत बजाएं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा देने के लिए बहुत ही धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी नेतागणों का। और हमारे बड़े भाई अमित बैसला जी दो बात कहेंगे, उसके बाद ही अच्छा अच्छा पहले युवाओं के लिए सम्मानित ट्रॉफी दी जाएंगी। नाम बताओ। अशफरा सनोप इंतजार अली सेवन क्लास में फर्स्ट आए हैं, नहीं आए अपनी ट्रॉफी ले। और प्राची सनोप हरवीर एट क्लास में सेकेंड डिवीजन है, ये भी आए अपनी ट्रॉफी ले। सूरज सनोप परविंदर वो भी एट क्लास में सेकेंड, वो भी अपनी ट्रॉफी ले। गोलू सनोप लोकिंदर सिक्स क्लास में फर्स्ट डिवीजन, वो भी आए। दीपांशी शर्मा सनोप अमित शर्मा फाइव क्लास में सेकेंड डिवीजन, वो भी आए। धनी राम सनोप लालचंद फाइव क्लास में फर्स्ट आए हैं, वो भी आए। संध्या सनोप देविंदर फोर्थ क्लास में सेकेंड, वो भी आए। तुषार सनोप सुभाष शर्मा जी फोर्थ क्लास में सेकेंड डिवीजन, वो भी अपना मान सम्मान ले। खुशी सनोप पिंटू थर्ड क्लास में सेकेंड डिवीजन, वो भी आए। माही सनोप हरेंद्र जी सेकेंड क्लास में सेकेंड डिवीजन, वो भी आए अपना मान सम्मान ले। आयुष भाई सनोप सुबोध फर्स्ट क्लास में फर्स्ट डिवीजन, वो भी अपना मान सम्मान ले। विकास सनोप विनोद जी इंटर में है भाई फर्स्ट डिवीजन है, वो भी आए। तुषार खड़ग इंटर क्लास में भाई 95% नंबर आए, पीस बालक के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर दे, वो भी अपना मान सम्मान ले। आकाश सनोप मुन्ना
जो हाई स्कूल में सेकेंड डिविजन 94% नंबर आए उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। अरविंद सनोप कुंवर पाल जी जो कि हाई स्कूल में सेकेंड डिविजन और 93% नंबर आए उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। पारुल गरग आर्यन गरग जो कि ये भी फर्स्ट आए हैं इनका भी मान सम्मान करें। सभी बच्चे आए और अपना मान सम्मान लें और मंच को सुबोधित करें। जय माता। कुछ गाना पेश करना चाहते हैं इंतजाम है उसको ग्रहण करके जब जाना भैया धन्यवाद। जैसे कि केटी लाइन न्यूज समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है उसी कड़ी में आज हमारे ग्राम चुड़ियाला में जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक रागनी कंपटीशन और राष्ट्रगीत देशभक्ति गीत का आयोजन किया गया था। आइए बात कराते हैं। सर आपका नाम? डॉक्टर उन्मेसला समाज सेवी। जो आज ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो प्रोग्राम किया गया क्या कारण है? ये तो पिछले 5 साल से रेगुलर करा रहे हैं इस कार्य को। इसे बच्चों को खेल कूद के कार्यक्रम और ये देशभक्ति गीत और रागनी का प्रोग्राम और जो बच्चे प्रथम स्थान आया है जो हमारे गांव के बच्चे हैं इनका प्रथम स्थान आया है 10th में 12th में और जो छोटी क्लास के बच्चे सभी को ट्रॉफियाँ सम्मानित किया गया है और ये पिछले 5 साल से चल रहा है। जो बच्चों को जो सम्मानित किया है किस किस जो उसमें योगदान है उनका जिसलिए सम्मानित किया है? ये तो भैया पिछले 5 साल से चलता रहा है और सभी को हर साल ऐसे ही दिया जाता है सभी बच्चों को सम्मानित किया जाता है ठीक है ना। और इसमें पूरे गांव का साथ रहता है और पूरा गांव साथ देता है इसमें। जैसे कि प्रोग्राम में देखा गया खासकर जो युवा थे जो कुछ संगीत में कुछ प्रतिभाओं में जो नाम था उन्हें सम्मानित किया गया तो खास जो चुड़ियाले के लोगों को ज़्यादातर सम्मानित किया आपने कि क्या कारण रहा कि चुड़ियाले के लोगों को सम्मानित? मुझे रुचि है इस काम में समाज सेवा में मेरी रुचि है और मैं हमेशा ऐसे काम करना चाहता हूँ। आगे क्या करना चाहेंगे आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि मेरे युवा इसी तरह लगे रहे और जो गणतंत्र दिवस है मेरे साथ मिलकर काम करें। और इनका नाम पूछो। सर आपका नाम? मेरा नाम विशेष राणा है और मैं मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि आज ग्राम चुड़ियाला में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रागनी कंपटीशन एवं देशभक्ति गीत का आयोजन किया गया इसका क्या कारण रहा? ये बहुत ही अनूठी पहल है डॉक्टर अरुण बैसला जो चुड़ियाला गांव के निवासी हैं इनके द्वारा बहुत ही अनूठी पहल है क्योंकि समाज के अंदर एकजुट होना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा मंच है ये गैर राजनीतिक मंच है जहां पर सभी हर एक समुदाय का आदमी इकट्ठा होकर अपने देश का राष्ट्रीय पर्व मनाता है और इस तरह के कार्यक्रमों में सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक होता है। जैसे कि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था और काफ़ी लोग इसमें मौजूद रहे तो इसमें जो डॉक्टर साहब हैं ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो इनका क्या इसकी किस किसके सहयोग से हुआ होगा ये प्रोग्राम? सहयोग तो भाई साहब ऐसा है कि डॉक्टर साहब ने एक अनूठी पहल की इन्होंने सबसे आगे आकर ये बीड़ा उठाया और साथ में इनके भाई इनके यार दोस्त इनके मिलने चिन्हने वाले समाज में जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं सबके सहयोग से ये काम संपन्न हुआ है। कोई अकेला आदमी इसका इतना बड़ा काम नहीं कर सकता सबके सहयोग से ऐसा काम होता है और ये काम समाज का काम है और एक राष्ट्रीय पर्व का काम है। जैसे कि आप भी युवा हो डॉक्टर साहब भी युवा हैं तो युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश यही है कि सब अपना ये राष्ट्रीय पर्व मनाएं अच्छे से धूमधाम से मनाएं और अपना ये जो आजकल हम देख रहे हैं युवा नशे की तरफ को बढ़ता जा रहा है ये लोगों को ये समझाने का कोशिश की जा रही है कि नशा को त्यागे और शिक्षित बने शिक्षित बन के ही अपना घर परिवार शिक्षित होगा राज्य शिक्षित होगा अपना देश शिक्षित होगा। जी आपका नाम? महेंद्र सिंह। जो आज ग्राम चुड़ियाला में प्रोग्राम क्या गया है क्या किस लिए क्या गया है प्रोग्राम? नहीं ये प्रोग्राम जो ये पहले ही से गणतंत्र दिवस में खुशी के उसमें भाई बच्चों को भी सम्मानित किया गया और ये खुशी के उसमें प्रोग्राम कराया इसने डॉक्टर अरुण ने। पहली बार हुआ है आपसे पहले भी हुआ? पहले भी हुआ था। जैसे कि गाँव में ये प्रोग्राम कराते रहते हैं प्रतिभावान छात्रों को भी सम्मानित करते रहते हैं तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है जो बच्चों के लिए सम्मानित करता है जो अच्छे कार्य में है तो वो ठीक है अच्छा ही कहेंगे भाई ये कार्य जो कर रहे हैं हाँ हाँ अच्छा कार्य कर रहे हैं।